Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to solve question number 2. Yeah, from exercise 6.5 of class 7th. The question is ABC is a right angled at C. If AB equals to 25 cm, AC equals to 7 cm and find BC. आपको कहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. फिर उन्होंने ये भी कहा है कि राइट एंगल किस पे होना चाहिए? C पर होना चाहिए. दैट मींस C कहाँ होगा आपका? यहाँ होगा. ओके, A, B एंड C. अब आपको गिवन क्या है? AB. AB कितना है आपके पास? दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन BC इज योर बेस. तो हमारा हाइपोटेनस AB गिवन है. कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर. AC आपको कितना गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है. तो हम वही क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम है. तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी. ओके, तो यूजिंग क्या यूज करेंगे आप? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? और पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी? प्रॉपर्टी क्या है आपकी? हाइपोटेनस स्क्वायर equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse आपका क्या है? AB, है ना? और perpendicular क्या है आपका? AC square. Base क्या है आपका? BC, या AC भी बोल दीजिए आप. अब AB कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? 25 सेंटीमीटर, है ना, होल स्क्वायर. इक्वल्स टू AC कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड आउट ही करना है, बेस हमें फाइंड करना है. अब हम क्या करेंगे? इनका स्क्वायर कर देंगे. तो आप क्या करें, नंबर्स एक साइड कर लेंगे हम, और जो हमें फाइंड करना है वो हम एक साइड कर लेते हैं. तो हमारा क्या बचता है? बी सी एक साइड बचेगा हमारा. अगर मैं 7 इधर लाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. अब क्या होगा, हमें बेस फाइंड करना है. तो हम 25 का स्क्वायर कहा है आपको करने के लिए. तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. 625 में से जब आपका 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो हाउ मच वी विल गेट? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर. नाउ यहाँ से बी सी वे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में आ जाएगा. और ये किसका स्क्वायर होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो ये क्या होगा, बी सी किसका होता है आपका? 24 का स्क्वायर रूट होता है. तो ये हो जाएगा आपका 24 × 24 सेंटीमीटर, ठीक है? इस स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, कितने, यानी कि ये किसका होगा? 24 सेंटीमीटर. यानी कि आपका बेस कितना होगा? 24. ओके,